अच्छा जी, आज क्या टॉपिक है हमारा? अच्छा टॉपिक है वाटर फिल्ट्रेशन टू हैव क्लीन वाटर। ठीक है, कि साफ पानी हासिल करने के लिए वाटर को फिल्टर कैसे किया जाता है? अच्छा, तो मेरा पहला पॉइंट है, हमें साफ पानी क्यों पीना चाहिए? बताइए। आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा किलर कौन है हमारे प्लैनेट अर्थ का? हमारे प्लैनेट अर्थ का सबसे बड़ा किलर? नहीं, आई डोंट नो, बताओ। अच्छा, गंदा पानी है सबसे बड़ा किलर? अच्छा, यानी गंदे पानी से सबसे ज्यादा अमवात होती हैं और लोग मर जाते हैं गंदा पानी पी के। ओए होए होए, ये तो मुझे पता ही नहीं। इस वजह से, क्योंकि गंदे पानी में बैक्टीरियाज होते हैं, प्लास्टिक होती है, मेटल होता है, आर्सेनिक होता है। अच्छा, और उसकी वजह से जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो एक तरह से पॉइजन बन जाता है ना? तबीयत खराबियां करते हैं और फिर डेथ्स हो जाती है। ओके, तो अब इसका हल क्या है? इसका हल है ये वाटर फिल्ट्रेशन, ये एंड पॉइंट में आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट है, व्हाट इज वाटर फिल्ट्रेशन? वाटर फिल्ट्रेशन एक मेथड है साफ पानी लाने का। अच्छा, उससे ऐसे लेयर्स बनती हैं, फिर ये साफ पानी आता है हमारे लिए। हाँ, वो पूरा एक प्रोसेस होता है, फिल्टर हो जाता है पानी, फिल्टर हो जाता है, यानी गंदगी एक तरफ रह जाती है और साफ पानी एक तरफ निकल आता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये असल वो रियल मशीन नहीं है। रियल मशीन्स के अंदर क्या होता है, वो यूवी लाइट वगैरह भी होती हैं। अच्छा, वो तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्लांट से होते हैं ना वो तो। लेकिन समझने के लिए आज आप ये लेके आई हैं हमारे लिए, अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है। अच्छा, तो थर्ड पॉइंट है, हाउ इट वर्क्स, हाउ डज फिल्ट्रेशन वर्क? ठीक है, बताइए। तो ये डर्टी वाटर है? ये डर्टी वाटर है जी। इसके अंदर है ऑयल। अच्छा, और इसके अंदर है पानी, साफ पानी, और इसके अंदर मिट्टी भी डाली है। इसमें मिट्टी है, इसमें तेल है, और इसमें साफ पानी भी है, जो कि अब इसमें जाके गंदा हो गया है। सब कुछ मिक्स हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम लोग इसमें डालेंगे। अच्छा, इसमें ये भी तो अमल साथ-साथ, वो हम साथ-साथ बाद में बताएंगे कि ये क्या-क्या चीजें हैं। ठीक है जी, ये एक प्रोसेस है जिसको अच्छा, ये ग्रेविल है, ग्रेविल स्टोन्स, इन स्टोन्स को कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर है ग्रेविल स्टोन्स, फिर जैसी ये सैंड है, ये सैंड है, सैंड ऑयल को स्टॉप करेगी। अच्छा, ये है एक्टिव कार्बन और ये है फिल्टर पेपर। ठीक है, सबसे पहले बताओ ग्रेविल स्टोन क्या कर रहा है? ग्रेविल स्टोन जैसे दो छोटी छोटी स्पेस हैं, दो जैसे ग्रेविल स्टोन्स में, ग्रेविल स्टोन्स में, तो पानी उनमें से क्रॉस कर रहा है, छोटी छोटे छोटे होल्स हैं, तो उनमें सैंड ऊपर रुक रही है, मोटे जो मिट्टी के जर्रे हैं वो यहाँ पे रुक गए। फिर पानी नीचे आया तो आगे सैंड, सैंड ऑयल को रोक रही है, क्योंकि उसमें और छोटे छोटे, तो ऑयल जो है वो यहाँ पे फिल्टर हो गया। फिर ये काला काला क्या है? ये है एक्टिव कार्बन। एक्टिव कार्बन, ये क्या होता है जी? एक्टिव कार्बन के नाम के पीछे एक्टिव आ रहा है, तो मतलब वो बहुत एनर्जेटिक होके चीजों को कैच करके रिएक्शन करना चाह रहा है। अच्छा, तो वो चीजें वहीं रुक रही हैं और पानी आगे निकल के जा रहा है, मतलब एक्टिव कार्बन इन केमिकल से रिएक्शन करके उन्हें स्टॉप कर रहे हैं, या तो किसी और चीज में बना के स्टॉप कर रहे हैं, या तो वो वैसे ही स्टॉप करते हैं। वेरी गुड, और फिर फोर्थ स्टेज पे है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या करेगा, जो भी पानी बाकी है उसे वो स्टॉप, जो भी पानी बाकी है उसके अंदर जितने भी और चीज़ें हैं वो हटा के साफ पानी को नीचे गिरा देगा। यस, और ये हम देखें जनाब, अगर सब लोग इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल रहे हैं, लेकिन इसके ये हमें पी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इसमें रियल ये प्लांट नहीं है, क्योंकि तो उसके अंदर थोड़े से हो सकते हैं केमिकल्स बाकी हो। मैं तो पीने लगा था ये, तो शुक्र है अमल ने मुझे बता दिया। बट द पॉइंट इज, अमल बिल्कुल ठीक कह रही है कि आपको साथियों प्रोसेस समझाने के लिए अमल ने ये पूरा अमल किया है, और ये आखिरी उसमें जनाब अगर हम क्लोजअप में दिखाएं तो जो पानी गिर रहा है वो बिल्कुल क्लीन वाटर है। बल्कि अगर मैं इसको उठा लूं और आप इसको यूं दिखाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल साफ पानी है जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
लेकिन इसको पी नहीं सकते, जाहिर है कि पूरा प्रोसेस नहीं है। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी हमें चीज़ बताई है, और जो असल चीज़ आज अमल ने बताई है वो ये कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो किलर है साथियों, सबसे ज़्यादा जो अमवात होती है ख़ासतौर पर बच्चों में, वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना होने की वजह से, पीने का साफ पानी ना होने की वजह से। पाकिस्तान में 21 मिलियन लोग हैं जिनके पास साफ पानी नहीं होता पीने के लिए, और वो गंदा पानी पीते हैं और उनसे बीमार होते हैं और फिर डेथ्स भी होती हैं। 21 मिलियन यानी कि तकरीबन 2 करोड़ अफराद ऐसे हैं कि जिनके पास पीने का साफ पानी की सहूलत नहीं है। अमल थैंक यू सो मच। कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बताओ? अब अगर आपको समझ आ गया है फिल्ट्रेशन, तो अगर आप कोई गंदा पानी देखें तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं, या तो जब आप पानी पी रहे हैं तो आप देखें कि गंदा पानी है कि साफ पानी है। इस चीज़ का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि गंदा पानी आपको बीमार कर सकता है, तो मेक श्योर कि आप पानी साफ पिए। वंडरफुल अमल हमेशा आती हैं और हमें हैरान कर जाती हैं। हम सोचते हैं कि अगली दफ़ा अमल को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक देंगे, है ना? तो अमल को हम अगली दफ़ा और भी इससे डिफ़िकल्ट टॉपिक देते हैं, लेकिन हर टॉपिक को अमल इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं कि वो आसान हो जाता है। तो जनाब, ये ग्रेवल स्टोन से सैंड, सैंड से एक्टिव कार्बन, और एक्टिव कार्बन से फिल्टर पेपर, और फिर हमें साफ पानी, और हमें साफ पानी मिल गया, और इसमें हमने डाला था तेल, मट्टी और पानी। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच।